आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, तो नॉन ऑक्सीजेनिक मतलब नहीं होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस या एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग मेरा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ये फोटोसिंथेसिस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप लोग जरूर से जरूर वो क्वेश्चंस आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम ट्राई करेंगे हर जो कमेंट्स है, हर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए। लेकिन आप लोग वो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे एनऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ये क्या है। अगर हम लोग जो नॉर्मली देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि नॉर्मली जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O ये क्या करता है, ये सनलाइट और क्लोरोफिल इससे क्या बनता है, इससे बनता है C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। और क्या बनता है, इससे बनता है हम लोग का 6 मॉलिक्यूल्स O2 और 6H2O प्लस एनर्जी। तो अगर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन बनता है, तो ये जो है ये हाइड्रोजन टूटता है और ये ऑक्सीजन बनता है, ये वाटर टूटता है ऑक्सीजन बनता है और ये ग्लूकोज बनता है। लेकिन अगर हम लोग एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखेंगे तो यहां क्या होगा, ये जो वाटर है, वाटर, ये वाटर का जगह में हम लोग देखेंगे दूसरा कोई मॉलिक्यूल्स देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। अब यहां वाटर नहीं है तो वाटर टूटेगा भी नहीं, हम लोग जानते हैं वाटर जब टूटता है तो ये टूटता है H+ OH-, ये OH- इसके बाद इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो OH बनेगा, फिर 4OH इक्वल टू 2H2O प्लस O2, तो ये ऑक्सीजन बनता है। तो ये जो हाई वाटर टूटता है इससे ऑक्सीजन बनता है, लेकिन यहाँ वाटर है ये नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग कहा होता है ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ऐसे अगर हम लोग वाटर नहीं रहेगा तो कहां से हम लोग ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ हम लोग है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसलिए क्या बनेगा, इसलिए इसमें सल्फर बनेगा। तो ये हम लोग जो है ये एन ऑक्सीजेनिक, मतलब इसमें ऑक्सीजन का कोई लेन देन है नहीं। तो ये क्या है, इन सम बैक्टीरिया एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑकर, ये मेनली जो लोअर ऑर्गेनिज्म से मेनली बैक्टीरिया है इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है, टर्मिनल रिडक्टेंस जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो वाटर के जगह में हम लोग देखते हैं, ये जो वाटर था यहाँ वाटर के जगह में क्या है हम लोग का हाइड्रोजन सल्फाइड है। और इसमें जो बाय प्रोडक्ट जनरेट होता है, जैसे हम लोग देखे थे इसमें ऑक्सीजन बनता है, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ सल्फर बनेगा, यहाँ ऑक्सीजन हम लोग का नहीं बनेगा, यहाँ हम लोग का सल्फर बनेगा। अब ये जो रिएक्शन होता है इसमें क्या होगा, सेम रिएक्शन जैसे यहाँ रिएक्शन है, अगर इसको हम लोग याद कर लेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, जैसे 6CO2 ऐसे 6CO2, इसमें अगर देखेंगे 12H2O, अब 12 वाटर के जगह में हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O H2S, ये S हो जाएगा वाटर की जगह S, तो H2S 12। अब ये भी क्लोरोफिल रहेगा और सनलाइट रहेगा, लेकिन हाँ इसमें जो क्लोरोफिल रहेगा वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल रहेगा, फिर क्या बनेगा, ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज सेम C6H12O6, ये भी C6H12O6, लेकिन यहाँ हम लोग क्या देखते हैं 12 एटम सल्फर बनेगा। यहाँ क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल्स में दो को एटम रहता है, तो 6 × 12 तो 12 को एटम ही है ना, तो ये सेम है। और यहाँ वाटर बनेगा, सिर्फ क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन के जगह हम लोग का सल्फर बनेगा, तो अगर ऑक्सीजन बनेगा तो उसको कहेंगे ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजन नहीं बनेगा नॉन ऑक्सीजेनिक और एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अब इसमें किसमें होगा, तो कुछ कुछ स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म है, क्या क्या, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, नाम में ही देखो, नाम में ही दिया है ग्रीन, मतलब इसमें क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का होगा, सल्फर बैक्टीरिया मतलब ये सल्फर को मने बनाएगा, ऑक्सीजन के जगह में ये सल्फर को रिलीज करेगा, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया,
पार्पल बैक्टीरिया हो गया, एसिडो बैक्टीरिया हो गया। तो ये जो बैक्टीरिया है ये हम लोग क्या देखेंगे, ये मेनली हम लोग का जो एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये जो ऑर्गेनिज्म से, ये तो लोअर ऑर्गेनिज्म से, ये मेनली कहाँ रहेगा, ये मेनली रहेगा एक्वाटिक हैबिटेट। हम लोग एक्वाटिक हैबिटेट, बहुत कोई ये कंफ्यूज हो जाते हैं एक्वाटिक क्या है, एक्वेरियम, एक्वेरियम में क्या रहता है मछली, एक्वेरियम में क्या होता है पानी रहता है। तो पानी का हैबिटेट, हैबिटेट मतलब जहां रहता है, तो हैबिटेट पानी मतलब तालाब हो गया, समुद्र हो गया। तो हम लोग बड़ा बड़ा लेके तो डिस्कस करते हैं ना, जैसे समुद्र हो गया, ओशन हो गया, तो ये एक्वाटिक हैबिटेट मतलब ये पानी वाला जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब जहां रहता है, तो पानी का हैबिटेट एक्वाटिक हैबिटेट। कैसे याद रखेंगे, एक्वेरियम वाटर, जहां वाटर है, जहां मछली उछली रहता है, तो वहां एक्वाटिक हैबिटेट। अब ये क्या पिगमेंट जो यूज होता है इसमें, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल है। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल डिफरेंट टाइप का है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए बी डिफरेंट टाइप का हम लोग देखते हैं, है वो कभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो ये हो गया हम लोग का एनोक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें अगर देखेंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन इसमें वाटर की जगह में हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें क्लोरोफिल है, लेकिन ये क्लोरोफिल क्या होगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और इसमें जो टर्मिनल हम लोग जो बनता है बाय प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की जगह में सल्फर बनेगा, बाकी सेम है। अगर इसका हम लोग कॉमन फॉर्मूला देखेंगे तो CO2 प्लस 2H2A, ये जो है ये एलिमेंट्स है, ये सल्फर की जगह में फेरस हो सकता है और दूसरा एलिमेंट्स भी हो सकता है। उसके बाद लाइट एनर्जी से हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये ग्लूकोज का हम लोग जो नॉर्मल कॉमन फॉर्मूला है ये है। उसके बाद हम लोग का जो वो एलिमेंट्स है, जो एलिमेंट्स था, और उसके बाद वाटर। तो ये हो गया हम लोग का एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।